नमस्कार, बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 जो इंडियन आर्किटेक्ट्स की पहचान है, उस पर आजकल बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट्स हो रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट में कई चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं। लेकिन डू वी रियली नो अबाउट दिस एक्ट? क्या हम इस एक्ट के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि इस एक्ट की हिस्ट्री क्या है, या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिक्स, इसका कंटेंट क्या है? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आए हैं। आज के ऑनगोइंग डिबेट्स और डिस्कशंस को समझने में ये वीडियो सीरीज आपकी मदद करेगी। इसलिए हमने आपके लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में काफी रिसर्च के बाद छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। इस सीरीज के हर वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। वीडियो वन, यानी कि इस वीडियो में हम आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वीडियो टू में हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और हम इसके बेसिक्स पर बात करेंगे, ताकि हम इस एक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएं। फाइनली वीडियो थ्री में हम इस एक्ट के कंटेंट्स क्या हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो वन से शुरुआत करते हैं। मैं आपको हिस्ट्री के दो फैक्ट्स बताना चाहूंगी। पहला फैक्ट फॉर्मेशन ऑफ बर्वे कमिटी और दूसरा नीड फॉर एन एक्ट, कि इस एक्ट की जरूरत कैसे पड़ी। तो चलिए पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं, बर्वे कमिटी। पहले फैक्ट का आर्किटेक्ट एक्ट की हिस्ट्री से डायरेक्ट लिंक नहीं है। आजादी के बाद हमारी सरकार को यह रियलाइज होने लगा कि इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फील्ड में हम सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1966 में बर्वे कमिटी का गठन किया। कमिटी से बोला गया कि आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स को स्टडी करें और गाइडलाइंस प्रिपेयर करें। परंतु इसमें पहले से चलती हुई भूल कंटिन्यू हो गई, आर्किटेक्चर को इंजीनियरिंग के साथ ही मिला के रखा। बर्वे कमिटी को मेंशन यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि आगे के डिस्कशन में इस समिति में डिस्कशन का सहारा लिया जा सकता है। अब हम दूसरे फैक्ट को देखते हैं। उसी समय के दौरान हमारे एजुकेटेड लीडर्स ने रियलाइज किया कि हमारी कंट्री में एक चैलेंज सामने आ गया था। बहुत सारे लोग जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वह भी अपने आप को आर्किटेक्ट्स का दर्जा दे रहे थे। जैसे किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी है पर अपने आप को डॉक्टर बोलता है और लोगों का इलाज करता है। 1966 तक ये अपने आप को आर्किटेक्ट बोलने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। इसलिए आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक एक्ट बनाया जाना चाहिए, इस बात की पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई। तो आप बोल सकते हैं कि आर्किटेक्ट एक्ट की पहली चर्चा 1966 में शुरू हुई थी। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझते हैं। अप्रैल 1966 में श्री आई के गुजराल जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया कि सरकार के पास आर्किटेक्चर प्रोफेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन को सेफगार्ड करने के लिए किसी एक्ट को लाने के लिए क्या प्लान्स हैं। दिसंबर 10, 1968, अ बिल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डॉक्टर त्रिगुना सेन। मई 1969 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को ये बिल भेजा गया। चेयरमैन ने जेपीसी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि 29 अगस्त को रिपोर्ट दें। बट चूंकि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, रिपोर्ट डिले हो गई और फाइनली सबमिट हुई 28 नवंबर 1969 को। मई 1970 में बिल में आर्किटेक्ट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, चेंजेस एक्सेप्ट हो गए और बिल पास हो गया। लेकिन दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट को अचानक से डिसॉल्व करना पड़ा और बिल लैप्स हो गया, यानी कि बिल खारिज हो गया। दिसंबर 1970 में लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद 1971 में फिर जनरल इलेक्शंस हुए और एक नई लोकसभा का गठन हुआ। अप्रैल 10, 1972 में
बिल को प्रोफेसर नुरुल हसन ने राज्यसभा में फिर से इंट्रोड्यूस किया, और चूंकि इस पर पहले से ही काफी डिस्कशंस हो चुके थे, इसलिए बिल सेम डे यानी कि अप्रैल 10, 1972 में बिल राज्यसभा में पास हो गया। मई 1972 में लोकसभा ने भी इस बिल को पास किया और मई 1972 में ही बिल को प्रेसिडेंट की सम्मति भी मिली। फाइनली ऑन मई 31, 1972 बिल वाज नोटिफाइड, बिल से एक्ट बना और हम सब आर्किटेक्ट्स को अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली। हम जो चाहते थे वो तो नहीं मिला, लेकिन इंडियन आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए यह एक नई शुरुआत थी, अ बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। हम इंडियन आर्किटेक्ट्स पीलू मोदी जी के हमेशा आभारी रहेंगे। एक आर्किटेक्ट और पार्लियामेंट के सदस्य होने के कारण उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस एक्ट को पास करवाने में, परंतु उन्होंने कभी भी इस एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि जैसा पहले बताया था कि मई 1970 में आर्किटेक्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी थी और प्रोफेशन रेगुलेट नहीं हो सका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस एक्ट के पार्लियामेंट्री डिबेट्स और जो भी कुछ आप इस एक्ट से रिलेटेड जानना चाहें तो सामने दिए गए वेबसाइट को विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट के बेसिक्स और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। लास्टली, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।